नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चीना इन द किचन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं एग मलाई मसाला, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। मलाईदार मुंह में घुल जाने वाली ये एग ग्रेवी की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एग मलाई मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं 5 हार्ड बॉयल्ड एग्स, यानी कि ये जो पांचों अंडे हैं ये अच्छे से उबले हुए हैं। तो हम इनको बीच में से इस तरह से काट लेंगे। तो उबले हुए अंडों को हमने काट कर साइड में रख लिया है। चलिए अब ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 कली लहसुन की और 4 हरे मिर्चें। तो हमें इन सब चीज़ों को ग्राइंड करना है, तो एक ग्राइंडर में इन सब चीज़ों को काट कर डाल देंगे और फिर हम इनका फाइन पेस्ट बना लेंगे। प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए अब ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पर कढ़ाई या पैन रखेंगे और अब हम इसमें डालेंगे लगभग 2 टेबलस्पून जितना घी या ऑयल, जो भी आप पसंद करें। पर एग मलाई मसाला अगर आप देसी घी में बनाएंगे तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और घी के मेल्ट होते ही हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने प्याज का पेस्ट बना कर रखा हुआ है। और मीडियम फ्लेम पर हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक, या फिर जब तक हमें प्याज में से घी अलग से नहीं दिखने लगेगा, तब तक इसको पका लेंगे। एग मलाई मसाला बनाने के लिए हम टमाटर का यूज़ नहीं करेंगे, हम थोड़ी सी दही इस मसाले में डालेंगे जिससे कि हल्का सा खट्टापन भी आ जाए। दही का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और टमाटर की कमी बिल्कुल भी नहीं लगेगी आपको ग्रेवी में। तो बीच बीच में चलाते रहेंगे और मीडियम फ्लेम पर मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। तो मसाला अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें डालेंगे लगभग 2 से 3 टेबलस्पून जितना फ्रेश दही और दही को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मीडियम फ्लेम पर ही इसको लगभग 1 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे, जब तक कि हमें दही अलग से दिखना बंद ना हो जाए, यानी कि ये मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी तब तक। और दही मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पर ले ली है लगभग 3 से 4 टेबलस्पून जितनी फ्रेश मलाई। अगर आपके पास फ्रेश मलाई नहीं है तो आप अमूल की क्रीम यूज़ कर सकते हैं 3 से 4 टेबलस्पून। और मलाई को भी हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इस मसाले को लगभग 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे, जब तक कि मलाई घी ना छोड़ दे, यानी कि हमें मसाले में हल्का हल्का घी ना दिखने लगे, तब तक हम इसको पका लेंगे। और अब हम देख सकते हैं कि हमें मसाले में से ऑयल सेपरेट होता हुआ दिख रहा है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। और साथ ही में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 2 से 3 टीस्पून आप धनिया पाउडर डाल सकते हैं। और इसके साथ ही हम डालेंगे लगभग 1/2 से 1 टीस्पून जितना गरम मसाला। मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर यूज़ नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और अब सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमें इसमें ऐड करना है लगभग 250 ml दूध। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल चाय वाले कप से दूध ले रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 1.5 टी कप्स दूध लिया है। और अगर आप मेजरमेंट कप यूज़ कर रहे हैं तो 1 कप दूध इसमें डाल लें। मसाले को दूध के साथ मिक्स कर लेंगे और अब दूध के एक बार उबल जाने तक अच्छे से पका लेंगे।
तो ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ चुका है। तो अब जो हमने अंडे उबाल कर रखे थे उनको भी ग्रेवी में हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह से जो हमारा कटा हुआ अंडा है उसको नीचे की तरफ करके सारे अंडों को हम पैन में डाल देंगे। एग्स को ग्रेवी के साथ अच्छे से कवर कर दीजिए। और अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको ढक कर 5 मिनट तक के लिए पकने देंगे। तो 5 मिनट लो फ्लेम पर पकाने के बाद हम ढक्कन उतार लेंगे और आप देख सकते हैं कि ग्रेवी के ऊपर हल्का हल्का ऑयल आ गया है, यानी कि ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। और बस लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया और मिक्स कर देंगे और हमारा एग मलाई मसाला बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए रोटी या नान के साथ। राइस के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आप राइस के साथ एग करी खाना चाहते हैं, एग मलाई मसाला खाना चाहते हैं, तो आप दूध थोड़ा ज़्यादा डालिए। मैंने इसमें 1.5 कप दूध डाला था। अगर आपको राइस के साथ सर्व करने हैं तो आप इसमें लगभग 3 कप दूध डाल लीजिए। और आप देख सकते हैं कितनी मलाईदार ग्रेवी है और बहुत ही टेस्टी बना है हमारा एग मलाई मसाला। तो जल्दी से आप अपने घर में इसको ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप ऐसी और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल जीना इन द किचन को विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारी ईजी टेस्टी और क्विक रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए जिससे कि आपके पास मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन या मैसेज पहुंच सके। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी एक नई वीडियो के साथ। The end.